दोस्तों, इस लेक्चर में हम कुछ और ग्रुप फंक्शन सीखेंगे। मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट और प्रोडक्ट, ये पांच फंक्शन है जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर पूरा प्राइस है और हमें कोई मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम टाइप करेंगे इक्वल टू फंक्शन मैक्स ब्रैकेट ओपन, और जिन वैल्यूज के बीच में से हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वो सब सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज, और इस तरह से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमें मिन चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो फंक्शन होगा मिन। जैसे कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें एक मिनिमम क्वांटिटी मिल जाए, उसके लिए हमें टाइप करना होगा इक्वल टू, और वो सारी वैल्यू जिनमें हमें मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है वो टाइप करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और हमें मिनिमम वैल्यू जो कि 15 है वो यहाँ पर मिल गई है। एवरेज, अगर हमें टोटल क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू निकालना है तो इसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू ए वी ई आर एच ई एवरेज ब्रैकेट ओपन, और हम ये सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे और एंटर, और हमें एवरेज 30.9 मिल जाएगा। हमारी 10 एवरेज है, आप देख रहे हैं, तो 10 में अगर सबको टोटल करके 10 से डिवाइड करते हैं तो 30.9 आता है। काउंट, अगर मुझे काउंट करना है कि टोटल हमारे पास कितने ऑर्डर्स हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास 2 से 11 तक 10 ऑर्डर्स हैं, तो इसको काउंट करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे इक्वल टू काउंट, और जो हमें काउंट करना है हम उन सबको सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे काउंट। काउंट का फायदा ये है कि यहाँ तो सिर्फ 10 वैल्यूज हैं, आपने फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेट कर दिया। अगर कहीं 10 जा रहे हैं, 9757 है, तो उन्हें गिनना आसान नहीं होगा, इसके लिए हमें काउंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। एक और बात है, खास बात है काउंट फंक्शन की, काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर्स पर और डेट्स वैल्यू पर ही काउंट करता है, अगर ये कैरेक्टर्स पर काम नहीं करता है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट फंक्शन यूज करना है, हमें वैल्यू निकालनी है, हमें लेंथ, विड्थ और हाइट दी है किसी चीज की, तो उसका वॉल्यूम निकालने के हम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो इक्वल टू पी आर ओ डी यू सी टी ब्रैकेट ओपन, ये तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए ब्रैकेट क्लोज, और ये तीनों का जो मल्टीप्लाई है वो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट फंक्शन बेसिकली मैं यहाँ कैलकुलेट कर, वो करता क्या है ये कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। इक्वल टू एक वैल्यू इंटू दूसरा टू तीसरा, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता है। नीचे की वैल्यूज के लिए आप कॉपी कर दीजिए और बाकी सारे आंसर आ जाएंगे। यहाँ तीन वैल्यूज हैं, आप सिंपल मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर 30 या 40 हैं तो एक एक करके उन सबको सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई आसान नहीं होगा, इसके लिए हम प्रोडक्ट यूज करेंगे। प्रोडक्ट करेंगे और बाकी सबको सेलेक्ट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो बहुत ही एक तेज तरीका है, बहुत फास्ट तरीका है।